शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों को दी जाने वाली पुनर्भरण राशि का भुगतान करने के साथ ही शिक्षा विभाग ने अब इन स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने का भी निर्णय लिया है। जानकारी के मुताबिक राजधानी जयपुर में निजी स्कूलों को उनकी पुनर्भरण राशि का भुगतान कर दिया गया है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों को 12 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया है। इसमें 2022-23 के 7 करोड़ 19 लाख रुपए, 2020-21 और 21-22 के तहत 5 करोड़ 16 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। इस राशि का पुनर्भरण करने के बाद अब विभाग इन स्कूलों को पाबंदी लगाने का निर्णय लिया है। अब आवेदन रिजेक्ट नहीं कर सकेंगे स्कूल, क्योंकि अब निजी स्कूल आरटी में मिले आवेदन को सीधे रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे। वो सिर्फ आवेदन को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकेंगे, जिसकी जांच शिक्षा विभाग के अधिकारी को करनी होगी। स्कूल की ओर से आपत्ति आने के बाद सीबीईओ इसकी जांच करेंगे। इसमें स्कूल की तरफ से जताई आपत्ति सही है या फिर गलत, इसको तय करने के बाद ही आवेदन के संबंध में फैसला लिया जाएगा। इसके साथ ही आरटी में निजी स्कूल में प्री प्राइमरी 3+ से पहली कक्षा तक के एक साथ प्रवेश हो सकेंगे। इसमें प्री प्राइमरी की पीपी 3+, पीपी 4+ और पीपी 5+ के साथ पहली कक्षा के लिए आवेदन किए जाएंगे।